अक्सर लोगों को ट्रेन में साफ सफाई को लेकर शिकायतें रहती हैं। साफ सफाई के साथ साथ रेलवे के खाने की क्वालिटी को लेकर भी अक्सर लोगों को शिकायत करते देखा गया है। और अब जब से कोरोना ने देश में दस्तक दी है, तब से तो साफ सफाई का कुछ खास ही ख्याल रखा जा रहा है। इस साफ सफाई को लेकर जल्द ही रेलवे एक बड़ा फैसला कर सकती है। दरअसल अब आपको पैंट्री का खाना खाने को नहीं मिलेगा, यानी अब जिस रेल में आप सफर कर रहे होंगे उसमें कोई पैंट्री कार होगी ही नहीं। खबर के मुताबिक ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन ने यह प्रस्ताव रेलवे मंत्रालय को दिया है। फेडरेशन से आए प्रस्ताव के तहत ट्रेनों में साफ सफाई रखने के लिए पेंट्री कार को खत्म कर दिया जाएगा। यदि ये प्रस्ताव बोर्ड द्वारा मान लिया जाता है तो ट्रेन से पेंट्री कार खत्म कर दी जाएगी और यात्रियों को खाना नाश्ता मुहैया कराने के लिए एक वैकल्पिक इंतजाम किया जा सकता है। इसके अलावा एसी ट्रेनों में कंबल देने की व्यवस्था को भी खत्म किया जा सकता है। अभी कोरोना संकट को देखते हुए वैसे भी कंबल देने की व्यवस्था को रोक दिया गया है, लेकिन इस नियम को कोरोना के बाद भी जारी रखा जा सकता है। यानी आने वाले दिनों में आपको एसी कोच की टिकट होने के बावजूद अपना कंबल साथ में ले जाना पड़ सकता है। अभी हाल ही में रेल टिकट के किराए को 10 से 35 रुपए तक बढ़ाए जाने की बात भी चल रही है। यानी आने वाले दिनों में रेल यात्रियों का सफर भी थोड़ा महंगा हो सकता है। खबर के मुताबिक यूजर चार्ज के तौर पर कुछ रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के लिए यात्रियों से एक्स्ट्रा पैसे वसूले जाएंगे। रेलवे के मुताबिक देश में करीब 15% स्टेशनों पर ही ये चार्ज वसूला जाएगा, यानी कि देश के करीब 1050 स्टेशनों पर ही यात्रियों को टिकट के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। मतलब साफ है कि रेलवे साफ सफाई को लेकर कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गया है। रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा पैसा वसूलना हो या एसी कोच में कंबल ना मिलना हो या फिर पेंट्री कार को हटाने का फैसला हो, यात्रियों को इन सब फैसलों से थोड़ी परेशानियों का सामना तो जरूर करना होगा। हालांकि खानपान के लिए पेंट्री कार के विकल्प के तौर पर स्टेशनों पर बेस किचन बनाया जा सकता है, जहां से बड़े आराम से सभी ट्रेनों में खाना नाश्ता पहुंचाया जाएगा। इससे होगा ये कि बेस किचन में ज्यादा साफ सफाई रखी जा सकती है। फिलहाल ये सब फैसले बातचीत के दौर में हैं। जब ये फैसले लिए जाएंगे तब देखना दिलचस्प रहेगा कि लोगों की शिकायतें ज्यादा बढ़ती हैं या रेलवे में साफ सफाई।